बहुत ही सुंदर इस गुरुवंदना में, क्योंकि गुजरात मेरी जन्मभूमि रही है, गुजरात की मिट्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ और गुजरात की इस मिट्टी की खुशबू आप लोगों के बीच में बिखरना चाहूंगी। जो मैंने थलवाड़ में गाई थी वो गुरुवंदना लगभग सभी लोगों को बहुत ही पसंद आई थी, आज वापस एक बार मैं आप लोगों के बीच में गाना चाहूंगी। थोड़ा सा रिवर्ब बढ़ा ए सत्य गुरु ते में मारा तार बाबूजी को तो गुजराती पक्की आती होगी, बाकी लोगों को आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन गुजराती और मारवाड़ी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, समझ तो जाते ही है। तो समझण वगर नु जीव मु नकाम हो हे भले तमे जीवो वर्ष है जा तो समझण वगर नु आ जीव मु नकाम हो तमे भले जीवो वर्ष है जा ए समझी ने जीव वो घड़िक एक तो अरे भाई थई जाशे बेड़ो पार गड़ा विना नु गावु न कामू
सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम के साथ जयघोष करके गुरु महाराज की बड़े संत गुरुदेव की जय हो। माता पिता और गुरु चरणन में प्रणिवित बाण विवा माता पिता और गुरु चरणन में प्रणिवित बाण विवा हम पर किया बड़ा जो कष्ट उठाया और कभी कर्ज ना जाए चुकाया और उंगली पकड़ कर चलना सिखा और ममता की दी शीतल छाया। ऐसी ही मां जो नौ नौ महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, संभालती, उसका ध्यान रखती है, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं होते। आजकल ऐसा देखने को बहुत मिलता है, लेकिन इस संसार में, इन संसार में सबसे अमीर इंसान वो है जिनके माता पिता हैं, और सबसे गरीब इंसान वो है जिनके माता पिता हैं फिर भी उनका आदर भाव और सम्मान नहीं करता, वो इन संसार में सबसे गरीब इंसान है। तो ऐसी ही माँ का वर्णन लिखा और कहा, माता ने जो कष्ट उठाया कभी कर्ज ना जाए चुकाया, हरिओम।
अरे